हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की बड़ी मूवीज। फ्रेंड, लगता है ऐसा ही है कि इस बार जून में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार जून में बॉलीवुड के चार बड़े एक्टर्स की मूवीज आने वाली हैं और बहुत थोड़े ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, आइए चलें नज़र डालते हैं इस लिस्ट पे। फ्रेंड, लिस्ट में फर्स्ट मूवी है जवान। इस मूवी में आपको शाहरुख खान, विजय सेतुपति और नयनतारा दिखाई देंगे। फ्रेंड, जवान मूवी 2 जून को रिलीज की जाएगी। पठान के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद आप सबको पता है कि जवान का क्रेज आसमान छू रहा है। कहा जा रहा है कि यह पठान से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस अर्निंग करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक पैन इंडिया मूवी है। इसे साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली कुमार ट्रैक कर रहे हैं। फ्रेंड, जवान के सीधा 2 वीक्स बाद प्रभास अपनी मूवी आदिपुरुष के साथ कम बैक करेंगे। आदिपुरुष, जिसका टीज़र पहले रिलीज़ किया गया था, जिसमें VFX का थोड़ा इशू था, काफ़ी सोशल मीडिया पर उसे स्क्रॉल किया गया था, तो मेकर्स ने पॉजिटिव डिसीजन लिया था। उन्होंने इसकी डेट पोस्टपोन करके काफ़ी VFX पे काम किया था और अब वो दोबारा इसे 16 जून को रिलीज़ करने वाले हैं। फ्रेंड, इस मूवी में आपको प्रभास के साथ कृति सनोन और सैफ अली खान नज़र आएंगे। इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत हैं, जिन्होंने लेटेस्ट तन्हाजी अजय देवगन की ड्रैक की थी। फ्रेंड, आपको मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड में लास्ट व्यूअर से एक मिथ जा रही है, और ये कि जब भी कोई एक मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है, उसके बाद आने वाली मूवीज एटलीस्ट एक मंथ तक बुरी तरह पिटती है। अब इस साल देख लें, पठान के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से ज़्यादा और सेल्फी का क्या हाल हुआ। पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि लास्ट ईयर जब RRR आई थी, उसके बाद KGF 2 ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था। दोनों ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज़्यादा कर लिया था। तो फ्रेंड, इस मिथ का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद आने वाली मूवीज जो फ्लॉप हो रही हैं, उनका कंटेंट अच्छा था। जैसे पठान के बाद आप देखें शहजादा और सेल्फी, वो उनके साथ रीमेक का टैग लगा हुआ था, तब वो पब्लिक को इस तरह नहीं खींच पाई ऑडियंस को सिनेमाघरों में आने के लिए। फ्रेंड, जवान और आदिपुरुष अभी बॉक्स ऑफिस पर लड़ाई लड़ ही रहे होंगे कि 23 जून को अजय देवगन अपनी मूवी मैदान लेकर आ जाएंगे। ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी है। इसका टीज़र आपको अजय देवगन की भोला मूवी के साथ दिखाई देगा। अजय देवगन ने भी लास्ट व्यूअर्स में काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, जिसमें दृश्यम 2 है और उनसे पहले तन्हाजी है। और फिर लास्ट में आपको 29 जून को कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी अपनी मूवी सत्या प्रेम की कथा में नज़र आएंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने वाली है। सत्या प्रेम की कथा के मेकर्स ने काफ़ी कॉन्फिडेंस शो किया अपने एक्टर्स पे कि वो इतने ए लिस्ट एक्टर्स की मूवीज आ रही हैं जून में, उसके बावजूद अपनी मूवी 29 जून को सिनेमास में लगा रहे हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये तो जून के एंड में ही पता चलेगा कि जून मंथ का विनर कौन बन के निकलता है। आपको क्या लगता है कि जून में सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन करेगा, काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।